student. Today I will take the class of computer science and IT and the lecture on computer network. Actually, first of all, I will take the class of computer network, that is called the data communication, data communication, data communication and network. Data communication and network. Okay. Before we discussing the network model, first of all, I want to discuss about the communication, data communication. Actually, data communications are the exchange of the data between the two devices via some form of channels, via some form of transmission media or channels. That is called the wire. Optical wires, optical fiber wires. If you want to make the data communication more effective, that it must be satisfy the four conditions, that is the accuracy, delivery, time limitness and the jittering. The four part, the effectiveness of data communication. Communication contains four fundamental things. That is, first one, that is called the accuracy. Accuracy means the system delivers the data accurately. And the second one, that is called the delivery means the system must deliver the data to the intended user. Intended means आप ऐसा कह सकते हो, intended means जो उसके लिए authorized है, authorized user. You can also say the authorized user, intended user. And the third one, that is called the timeliness means the system must deliver the data within the time, or we can say it is a real time streaming. Delaying between sender and receiver means it is useless. So, and the last one, that is called the jitter. Jitter means the variations in the packet arrival time. इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका एक पैकेट सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में 30 मिलीसेकंड लगता है, तो दूसरे पैकेट की भी डिलीवरी रेट 30 मिलीसेकंड ही होना चाहिए. अगर उसकी डिलीवरी रेट 40 मिलीसेकंड हो जाती है, तो इट मींस
आपका जो वीडियो स्ट्रीमिंग हुआ, सपोज आप वीडियो भेज रहे हो और वीडियो के जो कंटेंट आप पैकेट वाइज अगर आप डिलीवर कर रहे हो, अगर उसके डिलीवरी का डिफरेंस, टाइम ऑफ डिफरेंस अगर ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स जो आपका वीडियो होगा वो अनयूजुअल हो जाएगा। सो यू कैन से, वी कैन से, लेट अस अज्यूम सपोज द वीडियो पैकेट्स आर सेंट एवरी 30 सेकेंड, 30 मिली सेकेंड्स। इफ सम ऑफ द पैकेट्स अराइव विथ 30 मिली सेकेंड डिले एंड द अदर विथ 40 मिली सेकेंड डिले, देन द क्वालिटी ऑफ द वीडियो विल बी, द क्वालिटी ऑफ द वीडियो विल बी रिड्यूस्ड। सो नाउ देर आर द फोर थिंग्स, फोर फंडामेंटल थिंग्स इन द डाटा कम्युनिकेशन, देन आई विल डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट। कंपोनेंट में द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द मैसेज। देर आर द फाइव कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड द मैसेज। मैसेज मीन्स इट इज एन इंफॉर्मेशन, द मैसेज इज एक्चुअली अ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन, और यू कैन से इट इज अ डेटा, इंफॉर्मेशन और डेटा, और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। सो मैसेज इज नथिंग, इट इज योर वॉइस, इट इज योर वीडियो। मैसेज एग्जाम्पल में अगर आप कहो मैसेज तो बहुत सारे तरीके के हैं, योर वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इट इज ऑल कॉल्ड द मैसेज। इट इज नाउ द सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड द सेंडर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज सेंडर। सेंडर, सेंडर, द सेंडर इज अ डिवाइस, नथिंग, द सेंडर इज अ डिवाइस, द सेंडर इज अ डिवाइस। आप कह सकते हो जो सेंडर है आपका वो एक डिवाइस होता है, कंप्यूटर डिवाइसेस हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, या आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या एवरीथिंग, वॉट एवर जो एक डिवाइसेस है वो हमारा सेंडर कहलाता है। डिवाइसेस, डिवाइसेस दैट ट्रांसमिट द डेटा, दैट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। नाउ थर्ड वन दैट इज कॉल्ड द रिसीवर। रिसीवर, इट इज ऑल्सो अ डिवाइस, इट इज ऑल्सो अ डिवाइस, इट इज ऑल्सो अ डिवाइस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड सो ऑन, वॉट एवर, दैट इज कॉल्ड द डिवाइसेस। रिसीवर, इट मीन्स रिसीवर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, रिसीवर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर। एंड द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू विच वी कैन डेटा ट्रांसमिट। इट इज अ मीडियम, इट इज अ मीडियम थ्रू विच द डेटा, थ्रू विच द डेटा ट्रांसफर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम यू कैन से ऑप्टिकल फाइबर मीडियम, एग्जाम्पल में आप कह सकते हो इसे ऑप्टिकल फाइबर मीडियम, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर मेड बाय द आईबीएम एंड यूज बाय द आईबीएम, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड स्टेट पी।
And the last and the most important, that is called the protocol. Protocol is nothing, it is a set of rules. It is a set of rules on which the two terminal or devices. Terminals means nothing, data terminal equipment, DC people say thing, data terminal equipment or devices. It is a set of rules on which the two terminals or devices communicate. So the component of the communications are like this. The previous, so component of a communication, there are the five components. You can see this is the five component, that is the one is the message is nothing, that is called the information through which the data will be transmitted, and the sender, that is called the through which sender is the devices through which the data will be transmitted, and the receiver, that is called the, it is also a devices like a computer, mobile phone. Receiver devices receives the information from the sender, and the transmission medium, it is a medium through which the data transfers, like a bahut sare medium hote hain, optical fiber, coaxial, unsealed twisted pair, and the last one, that is called the protocol. It is a set of rules on which the two terminals or devices communicates. Now I will discuss if all these things are, अगर आप ये सारे चीज़ें अगर समझ गए तो अब हम लोग डिस्कस द नेटवर्क मॉडल. अब हम लोग नेटवर्क मॉडल को देखेंगे. नेटवर्क मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन द नेटवर्क. द नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. The definition is network is the combination of hardware and software. That sends the data. From one location to the other location. Hardware means it consists of the physical equipment. Hardware means, अगर आपको यहाँ hardware और software में क्या difference है ये आपको बता दूँ. Hardware means it contains hardware equipment. कैसे तो equipment हमारा क्या है, hardware equipment, like आप कह सकते हो fiber optic cable, it is a hardware equipment, और coaxial cable, it is also a hardware equipment. Coaxial cable. This is the network model. It is the combination of the hardware and the software. Hardware यहाँ पर जो है, software एक set of rule होता है जिसके तहत ये hardware हमारा क्या होता है, work करता है. इस network model में अब हम लोग पढ़ेंगे, there are two types of the network model. There are two types of network model. One is OSI model and the second one is TCP/IP model. OSI model contains the 7 layer and the TCP/IP contains the 4 layer.
एक्चुअली मॉडल जो होता है इसी पर हमारा, कि कैसे हमारा ये नेटवर्क या कैसे हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, ये मॉडल के तहत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये 7 लेयर कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर हम यूजर स्टैंड करते हैं, कहाँ पर हमारा डिवाइसेस स्टैंड करता है। एक्चुअली OSI मॉडल एक है जिसमें 7 लेयर का यूज किया जाता है, और दूसरा हमारा TCP/IP मॉडल है। TCP/IP मॉडल बाद में आया, वो आफ्टर OSI मॉडल। एक्चुअली TCP आजकल जो यूज होता है वो TCP/IP मॉडल होता है, लेकिन ओल्ड वर्जन जो SI मॉडल होता है ये पार्शली इम्प्लीमेंट हो चुका, फुल्ली इम्प्लीमेंट OSI मॉडल का नहीं हो पाया, क्योंकि TCP/IP जो है इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। इसलिए हम TCP/IP मॉडल को हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम OSI मॉडल जो इनिशियल मॉडल है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं OSI मॉडल में क्या क्या चीज़ होता है। एक्चुअली OSI मॉडल कंटेंस द 7 लेयर। आई एम राइटिंग दिस OSI मॉडल कंटेंस द 7 लेयर। आई एम राइट डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द फर्स्ट 7th लेयर इज कॉल्ड द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर 6th दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन लेयर। Interfacing of the layer is like this in the application layer. This interfacing between the presentation layer, that is called the, this route is called the interfacing between 7 to 6 layer at the sender side. Now, fit presentation layer, and then it is called the session layer. So we can say interfacing between 6th to 5th layer, and so on. This is called the 7 layer. I will detail discuss the OSI model in this section. I will detail discussion like, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो OSI में कैसे एक डाटा किसी सेंडर साइड से किसी रिसीवर एंड पर पहुंचता है, हम ये चीज़ देखेंगे। पहले हम लेमैन के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह या कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर की तरह हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट कैसे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। There are the two user, the application layer, it is called the user 1 and user 2. If user 1 uses the OSI model, then first it is called the application layer, abbreviated I've used the application layer. Now the second one, this is called the presentation layer. Third, fifth layer, that is called the session layer. That is called the transport layer. Transport layer. Network layer. Data link layer. And that is called the physical layer, PHY layer लिख रहा हूँ मैं, ताकि
प्रेजेंटेशन लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में हमारा क्या हो जाए, दोनों डिफर हो सके। नाउ यूजर टू ऑल्सो यूजेस द ओएसआई लेयर, देन डाटा विल कम्युनिकेट लाइक दिस, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर होगा, फिर इसका सेशन लेयर होगा, फिर इसका ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, आई लाइक दिस, लाइक दिस, ओके, यूजर वन एंड यूजर टू, यूजर वन एंड यूजर टू, यूजर वन कंटेन्स द एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, आफ्टर दैट डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। आई एम राइट द फिजिकल लेयर लाइक दिस, एंड दिस इज द चैनल, इट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, इट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैनल through which the data will transmit the receivers end of the physical layer and then data link layer, then network layer, then transport layer, then session layer, then presentation layer, and the last one that is called the application layer. So the last one that is called the physical layer communicate with the physical layer of the receiver, and it is called the receiver, and this is called the sender. You can also say it is a sender, and this is the, suppose a sender want to send the data, like I'm speaking in the I'm telling, that is like the hello is your message. Suppose hello, a user one want to send the message hello to the user two. By layman के अनुसार से ये data जब user one से जब ये application layer पर जाता है, तो application layer पर जो भी hello message का काम है वो hello message का काम करेगा, and then add the header of the application layer and transmit this message to the presentation layer. The presentation layer seems to entire data as a message, including the application layer header. This is called the data. In this data, including the header, application layer header, and the message part, that is called the hello. And then presentation layer works. Presentation layer अपना सारा काम करेगा, and after that presentation layer also adding the header PL. And then transmit to the session layer. Session layer. Consider it entire as a message or a data, including the presentation layer header, and included the session layer header, and transmit it to the next layer, and so on. The last one, physical layer, seems entire of the data from the data link layer act as a data in bit stream and added the header of the physical layer, and transmit the data through the communication channel at the receiver end of the physical layer. So receiver end of the physical layer, तो receiver end का physical layer को ये कैसे पता चलेगा कि sender के physical layer से वो data आया है? The last one, the header including the bit stream or data, the last stream that is called the physical layer header. The receiver end removes the physical layer header and transmit the data to the data link layer. So
the last one including the data plus DLL header. So receiver's data link layer removes the data link layer header and transmit the data at the network layer. So data and the header of the network layer. So it removes the network layer header from this and transmit to the upper layer, and so on. When it comes at the application layer, so it includes the message hello and the application layer header, and the last application layer header removes the application layer header and transmit the data to the receiver. User 1 sends the hello message and receiver also receives the correctly data or message hello correctly at the user 2. इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि actually the interfacing between the two layer is only either upper or lower in the this way. In the sender side, the data comes from the application layer to the physical layer, and the receiver end, the data goes from physical layer to the application layer or the user end. This and the finally receives the data by the user 2. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज अगर किसी देश का किसी कंट्री का पीएम अगर किसी दूसरे कंट्री के पीएम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करे तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है, वो सबसे पहले अपने पर्सनल असिस्टेंट पीए को कम्युनिकेट करने का आदेश देता है, वहाँ का पीए फिर वहाँ के लोकल सर्विस प्रोवाइडर से क्या करता है कनेक्ट करता है उस देश के सर्विस प्रोवाइडर से, उस देश का सर्विस प्रोवाइडर दूसरे देश के सर्विस प्रोवाइडर से पहले बातचीत करती है, आफ्टर दैट वो वहाँ के पर्सनल असिस्टेंट उस वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं चाहे पीएम हो वहाँ के पर्सनल असिस्टेंट से बात करेगा, फिर वो पर्सनल असिस्टेंट वहाँ के पीएम और प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा, तब जा कर के दोनों देश के पीएम आपस में क्या होते हैं कम्युनिकेट करते हैं. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल एट विच द टू कम्युनिकेट द टू डिवाइसेस कम्युनिकेट. So it is all over about the way of OSI model works. Now I will discuss the working of each layer. The first one that is called the physical layer. इस मैं लेयर में जब डिस्कशन करूँगा तो हर लेयर का कुछ बेसिक पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, और जब हम इसे डिटेल डिस्कशन करेंगे तब वहाँ पर हम इसे और भी डिटेल तरीके से एनालिसिस करेंगे. अभी हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि एक्चुअल फिजिकल लेयर क्या क्या काम करता है क्या क्या काम करता है. द फर्स्ट वन दैट इज पहला काम इसका होता है एक्चुअली फिजिकल लेयर का वर्क मैं आपको बताता हूँ. इट मीन्स द फिजिकल लेयर फर्स्ट द फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट द फंक्शंस कोऑर्डिनेट द फंक्शंस रिक्वायर्ड टू कैरी द डेटा. The present physical layer coordinate the function required to carry the data over a physical medium. आप ऐसा कह सकते हो कि physical medium में data को carry करने में क्या करता है काम करता है. You know the sender devices हमारा physical medium पर होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो सेंडर साइड की अगर हम बात करें सेंडर सिस्टम तो सेंडर सिस्टम हैव अ डाटा लाइक इन अ बिट स्ट्रीम डाटा, और यहाँ पर आप लिख सकते हो इसे बिट स्ट्रीम दैट इज फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड द हेडर आई मीन टेकिंग 010 इज द हेडर देन हाइपोथेटिकल एग्जांपल 010101011010101 दिस इज योर डेटा सपोज दिस इज द डेटा और बिट स्ट्रीम
फ्रॉम द सेंडर साइड जब ये डेटा जाएगा तो एक कम्युनिकेशन चैनल के जरिए रिसीवर एंड पर हमारा क्या होगा, पहुंचेगा। तो रिसीवर एंड 010 इस हेडर को रिमूव करेगा और 0101 डेटा विल बी ट्रांसमिट टू द अपर लेयर दैट इज कॉल्ड द डेटा लिंक लेयर। सेंडर से कहां पर आएगा, डेटा लिंक लेयर से डेटा आएगा, लिंक लेयर से डेटा आएगा और ये कम्युनिकेशन चैनल, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैनल। सो कम्युनिकेशन चैनल दिस इज योर सिग्नल, दिस इज द सिग्नल थ्रू विच द डाटा विल ट्रांसमिट। तो जो डाटा सेक्शन है वो डाटा कम्युनिकेशन चैनल के जरिए हमारे कहाँ पर जाएगा, रिसीवर एंड, दिस इज कॉल्ड द रिसीवर एंड। रिसीवर एंड पर हमारा क्या होगा, कम्युनिकेट करेगा। तो इट मीन्स इसका जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, इट रिप्रेजेंट्स द बिट, रिप्रेजेंट्स द बिट, इट मीन्स और इट रिकॉग्नाइजेस द बिट पैटर्न। आप ऐसा कह सकते हो कि जब ये डेटा हमारे कम्युनिकेशन चैनल में जाएगा तो ये 01 को एज एन सिग्नल में ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इट मीन्स यू कैन से द डेटा ट्रांसमिटेड लाइक दिस, द बिट स्ट्रीम, इट रिप्रेजेंट्स द बिट मीन्स इट कन्वर्ट्स बिट स्ट्रीम इनटू द ऑप्टिकल सिग्नल और ऑप्टिकल सिग्नल, यू कैन से इट रिप्रेजेंट्स द बिट, इट कन्वर्ट्स द बिट स्ट्रीम इनटू द ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल मतलब ऑप्टिकल सिग्नल्स, और इट कन्वर्ट्स द बिट स्ट्रीम इनटू द ऑप्टिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बिकॉज कम्युनिकेशन चैनल कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इफ द कम्युनिकेशन चैनल इज फाइबर ऑप्टिक्स देन द डाटा बिट स्ट्रीम मस्ट कन्वर्ट इन टू द ऑप्टिकल सिग्नल्स। इफ द कम्युनिकेशन चैनल इज कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल देन इट मस्ट बी द डाटा बिट स्ट्रीम मस्ट बी कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एट द रिसीवर एंड दिस इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल मस्ट बी कन्वर्ट इन टू द बिट पैटर्न। सो वी कैन से इट रिप्रेजेंट्स द बिट पैटर्न। Now, the second work of this, it defines the physical topology. So first I will discuss the topology. Topology. It means the system. It means more than two system. You can say more than two systems connected through LAN segment physically. It is an architecture. Topology means it is a physical architecture in which more than two systems connected each other. Different types of topologies, physical topologies, different types of physical topologies.
topologies are, first one that is called the mesh topology. Mesh oblique, second one that is called the star topology. The third one that is called the bus topology. Fourth one that is called the ring topology. And the fifth one that is called the dual ring topology. Sixth one that is called the ring topology, dual ring, bus, or that is called the most important hybrid topology. So first I will discuss the mesh topology. Most important mesh topology. Definition of the mesh topology like that, the each system in a architecture must be connected to a rest of the computers in the given network. It means you can say each node or each system communicate with other systems one by one or directly, like the architecture of mesh topology is like this. A node system S1, S2, S3 and S4. इस आर्किटेक्चर में कोई भी सिस्टम किसी उस दिए गए नेटवर्क में या उस दिए गए आर्किटेक्चर में रिमेनिंग जितने भी नेटवर्क हैं उनसे वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है. डायरेक्टली उसके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है. एडवांटेज क्या क्या चीज़ है, डेटा S1 और S4 के बीच में डायरेक्टली लिंक होने की वजह से ये किसी दूसरे नोड का सहारा नहीं लेता, जिसके तहत वो डाटा को क्या कर सके, ट्रांसमिट कर सके. सो ड्यू टू द डायरेक्टली लिंक द ट्रैफिक मस्ट बी कंसिडर्ड बिटवीन द टू स्टेशंस डायरेक्टली. सो नेटवर्क ट्रैफिक मस्ट बी कंट्रोल्ड, और वी कैन से द नेटवर्क ट्रैफिक्स मस्ट बी कंसिडर्ड बिटवीन द टू सिस्टम्स डायरेक्टली. Must be managed between two stations directly. So there is the advantage of the mesh topology. Disadvantage, अगर आपसे ये पूछे कि what is the disadvantage, length segment requires more because each stations directly connected with other
remaining stations by a LAN segment. है तो बहुत अच्छी चीज, क्योंकि अब जो S1 और S2 के बीच में ट्रैफिक सेपिंग होगा डायरेक्टली S1 और S2, जस्ट लाइक अ लीज लाइन. आप किसी दूसरे डिवाइसेस का यूज किए बगैर आप अपने डाटा को लीज लाइन के जरिए आप क्या कर सकते हो, डाटा को सेंड कर सकते हो. ये मैश टोपोलॉजी का सबसे बेस्ट एडवांटेज है. लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि आपको लैन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा लगेगी. अगर आपसे ये पूछे फाइंड द, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड द टोटल नंबर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द लैन सेगमेंट रिक्वायर्ड फॉर एन स्टेशंस इन अ मैश टोपोलॉजी देन रिक्वायर्स एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके दिए गए एग्जाम्पल में ही आपको मैं बता दूं कि एन अगर आपका फोर है तो टोटल लेंथ सेगमेंट जो होगा, लेंथ सेगमेंट जो होगा वो होगा आपका एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, फोर इंटू फोर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, दैट इज कॉल्ड द सिक्स. सो दिए गए आर्किटेक्चर में ऐसा ही आपका एक आर्किटेक्चर था जिसमें आपके लेंथ सेगमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. सो टोटल लेंथ सेगमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी हमारे, सिक्स. और इस ये जस्ट लाइक अ कंप्लीट ग्राफ आर्किटेक्चर जो आपका मैश टोपोलॉजी होता है. मैश टोपोलॉजी इज सिमिलर टू कंप्लीट ग्राफ आर्किटेक्चर. सो दिस इज द मैश टोपोलॉजी. इट इज द बेस्ट, इट इज द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी बिकॉज द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू नोड्स आर डायरेक्टली. कम्युनिकेशन बिटवीन द टू नोड्स आर डायरेक्टली. नाउ आई यूज द स्टार टोपोलॉजी, द सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड द स्टार टोपोलॉजी. इन दिस स्टार टोपोलॉजी इट अ सेंट्रल डिवाइसेस दैट इज कॉल्ड द हब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टीपोर्ट रिपीटर. In which more than it is formed just like a S1 station, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 and S9. Suppose 9 devices हैं, आपस में कम्युनिकेट होते हैं. तो In this architecture, this is called the hub. Central device which generally hub. Hub is also called the multi-port repeater. So each stations. So, each stations want to transmit the other station in the star topology, then data must be transmitted through the hub. Hub is a central device through which the data will transmitted to the other stations. अगर S1, S2 को भी transmit करना चाहेगा, तो data via hub के जरिए S2 के पास जाएगा.
The best part, advantage, कि if a one system is collapsed, if the one system is in idle mode, then all the remaining stations work correctly. कि अगर एक स्टेशन अगर आपका बंद भी पड़ गया तो इसके स्टार्ट टोपोलॉजी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. लेकिन द डिसएडवांटेज क्या है कि इंटायर सिस्टम्स और इंटायर स्टेशंस होली डिपेंड ऑन अ सेंट्रल डिवाइसेस दैट इज लाइक द हब. इफ द हब इज इन आइडल मोड देन ऑल द स्टेशंस विल बिकम इन द आइडल मोड. अगर हब ही आपका बेकार हो गया या हब ही अगर आपका खराब हो गया तो जितने भी आपके स्टेशंस हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, आइडल मोड में हो जाएंगे. इट मीन्स अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो भी ये अच्छा है. एडवांटेज है कि अगर इफ वन सिस्टम्स इज इन इफ वन सिस्टम इज इन आइडल मोड देन रिमेनिंग सिस्टम्स वर्क एज यूजुअल. लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इफ द सेंट्रल डिवाइस कोलैप्स्ड कोलैप्स्ड then all stations becomes in idle mode. Idle mode. Now, the third architecture that is called the bus topology. Bus topology. In this case, in a one lane segment, more than one stations, more than one stations are attached. जहाँ पर मेस टोपोलॉजी में हमारे लिए लेंथ सेगमेंट का कॉस्ट इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर हमें सिंगल लेंथ सेगमेंट में हम मोर देन वन स्टेशंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द टैप. इट इज कॉल्ड द लैन कनेक्टेड विद डिवाइस विथ डिवाइसेस. दिस इज कॉल्ड द टैप through which the data will communicate. So, bus topology is the best in the case of requirement of the LAN segment, क्योंकि एक ही LAN segment में हम more than one stations को connect कर देते हैं. But drawback क्या है कि जब data when the data transmit this channel, then at the tap point it generates an heat. So tap पर जो होता है वो heat generate होता है. heat generate होने से आपके data leakage होने के chances बढ़ जाते हैं. अगर आपके data leakage हो जाएंगे तो actually correct data आपके पास receive नहीं हो पाएगा. So ये आपके लिए implementation तो easy है, लेकिन एक बार अगर आपने implementation कर दिया तो आप इसमें नए सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. टू इम्प्लीमेंट अ न्यू सिस्टम इन दिस टोपोलॉजी इज़ द कॉम्प्लेक्स बस टोपोलॉजी में. तो एंड द ड्रॉबैक, सेकेंड ड्रॉबैक, और जो सिग्नल होते हैं वो इसमें एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट होते हैं. इफ़ द लैन सेगमेंट इज ब्रेक एट एनी पॉइंट देन इंटायर सिस्टम बिकम्स इन द आइडियल मोड. Disadvantage is like disadvantage when the
LAN segment breaks, then entire system, then the entire systems becomes in idle mode. Idle mode. So, advantage LAN segment cons. अगर हम एडवांटेज की बात करें LAN segment cost is less. So it is an unpopular today because the leaking of data tap point पर अगर आपका डाटा लीक होता है तो आपके पास करेक्टली डाटा नहीं पहुंच पाता है और एक सेगमेंट में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिस्टम्स नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आप सिस्टम्स मोर करेंगे तो हीटिंग कैपेसिटी आपकी हर टेप पर बढ़ेगी और आपका वायर्स क्या हो सकता है आपका डिसेबल्ड हो सकता है या वायर आपका क्या हो सकता है ख़राब हो सकता है. सो बस टोपोलॉजी आज के डेट में हमारा क्या हो चुका है वो अनपॉपुलर हो चुका है. अब हम लोग डिस्कशन करेंगे द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द रिंग टोपोलॉजी. इन दिस टोपोलॉजी our systems in this topology the system attached with a system attached with a this is called the repeater and I'm first I will increment I like this system this is called the system the last one this is the system suppose this is called the repeater this is called the repeater this is the repeater this is the repeater in the ring topology all the systems are connected in the circular manner and all the devices connected with the main LAN through a repeater this is called the main LAN segment in which the data will transmit it continuous manner in this ring topology data transmitted continuously suppose any systems is in idle mode or agar suppose maan lijiye ki koi bhi system agar aapka kharab ho gaya to it will generate an alarm it means jab ye alarm generate karega to jo iske devices ke maintainer hote hain use ye idea ho jata hai ki isme kahin na kahin koi system mein hamara kya ho chuka hai wo error aa chuka hai ki अगर आपका किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपका सिस्टम ब्रेक हो गया या आपके लैन सेगमेंट अगर आपके ब्रेक हो गए तो इंटायर सिस्टम आपका क्या हो जाएगा वो डिसेबल्ड हो जाएगा. सो डिसएडवांटेज इसके डिसएडवांटेज क्या है आपके इन अ रिंग टोपोलॉजी in a ring topology if the stations becomes an idle then the whole system becomes इन आइडल मोड. अगर एक भी सिस्टम या आपका लैन सेगमेंट कहीं आपका ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा आइडल मोड में हो जाएगा. तो बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी दोनों में जो है वो आपका ये ड्रॉबैक है
कि अगर आपका कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपका लैन ब्रेक हो गया तो आपका होल सिस्टम क्या हो जाएगा, वो जनरेट हो जाए, होल सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, वो आइडल मोड में चला जाएगा। और इसमें जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सभी सिस्टम्स में कंटिन्यूसली डाटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी सिस्टम अगर आपका आइडल मोड में जाता है तो इट विल जनरेट्स एन अलार्म। अलार्म मीन्स जो नेटवर्क मेंटेनर होता है उसके लिए ये अलार्म होता है कि आपका कोई स्टेशन क्या हो गया, आइडल मोड में चला गया। नाउ और ये जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल होता है, किसी एक डायरेक्शन में ही डाटा क्या होता है हमारा, ट्रांसमिट होता है। तो इट मीन्स अगर ऐसा कोई आर्किटेक्चर है किसी भी पॉइंट पर हो, अगर ये आपका इस तरीके का आर्किटेक्चर हो तो डाटा अगर आपका यूनिडायरेक्शनल है किसी भी पॉइंट पर, अगर आपका ये अगर आपका यूनिडायरेक्शनल होता है तो सपोज S1, S2, S3, S4 एंड S5 जो आपका सिस्टम है अगर ये यूनिडायरेक्शनल है तो इससे क्या होगा कि अगर आपका सिस्टम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इन दिस आर्किटेक्चर, इफ द लैन सेगमेंट और या मेन लैन सेगमेंट, इफ द मेन लैन सेगमेंट breaks, then entire systems may be in idle mode. So to remove this idleness, use the next topology, that is called the dwelling topology. Before we discuss the dwelling topology, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ कि कैसे इस पर आपका क्वेश्चन आता है। एक आता है आपका टोकन रिंग, टोकन रिंग आर्किटेक्चर। इन दिस सिस्टम आई स्टेशंस लाइक दिस सिस्टम्स कनेक्टेड विथ अ सेंट्रल डिवाइसेस। सपोज this is the central devices, so मुझे टोकन रिंग को पढ़ने के लिए इसलिए रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर सपोज कोई स्टेशंस, जितने भी स्टेशंस होते हैं वो सेंट्रल डिवाइसेस से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अगर कोई स्टेशंस लंबे समय तक डाटा को ट्रांसमिट करता रहे, हमारा काम क्या होता है कि जब कोई भी दो स्टेशंस सेम समय पर हमारा इस सेंट्रल डिवाइसेस को डाटा सेंड ना करे, जैसे स्टेशंस S1 है, S2 है, S3 है एंड S4 है, तो इस टोकन रिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है कि कोई भी स्टेशंस अगर सेम टाइम पर, सभी का लेंथ भी अगर हमारा सेम हो, दैट इज कॉल्ड द लेंथ, लेंथ ऑफ लेंथ सेगमेंट का लेंथ L है सभी का, और देर इज नो कंजेशंस। अगर अभी आपका कंजेशंस नहीं है, अगर आपका कंजेशंस किसी भी पॉइंट पर नहीं है, कंजेशंस मीन द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स किसी भी सिस्टम के साथ नहीं है तो जब कभी भी कोई दो स्टेशंस S1 एंड S2 वांट टू सेंड द डेटा टू द सेंट्रल डिवाइसेस, अगर ये सेंट्रल डिवाइसेस को डाटा सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ सेम टाइम पर, तो दोनों सेम टाइम पर हमारे सेंट्रल डिवाइसेस पर डाटा आएंगे। जब दो डाटा या दो फ्रेम कहिए या डाटा कहिए, जब कोई दो डेटा सेम टाइम पर अगर सेंट्रल डिवाइसेस के पास आता है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कोलिजन कर जाएगा, तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, दिस इज द S1 डेटा एंड दिस इज द S2 डाटा, या कोलाइड करने के बाद सेंट्रल डिवाइसेस पर ये आपका एक मॉडिफाइड डाटा हो जाएगा। ये मॉडिफाइड डाटा ना तो S1 के लिए करेक्ट है ना तो S2 के लिए करेक्ट है। सो इस मॉडिफिकेशन से या इसको हम इस कोलिजन से बचने के लिए
हम एक यहाँ पर कंट्रोल मैकेनिज्म लगाते हैं। एक कंट्रोल मैकेनिज्म क्या लगाते हैं कि हर स्टेशंस या हर इस रिंग टोपोलॉजी में, ये टोकन रिंग आर्किटेक्चर में, हम एक यहाँ पर टोकन प्रोवाइड कर देते हैं। टोकन टोकन क्या होता है? अब इन दिस आर्किटेक्चर जिस स्टेशंस के पास टोकन होगा वही ऑथराइज्ड होगा अपने डाटा को सेंट्रल डिवाइसेस के पास सेंड करने के बाद। इसका मतलब एक टोकन जिसके पास टोकन होगा वही ऑथराइज्ड होगा सेंट्रल डिवाइसेस के पास डाटा सेंड करने के लिए। बाद में कि जो रिमेन आपका कंप्यूटर है वो आपका क्या होगा, उसके पास टोकन होगी नहीं, जब तक टोकन होगा नहीं वो सेंट्रल डिवाइसेस के पास डाटा सेंड नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हो गया कि अब ये कॉलिजन कंडीशन जो है टोकन के जरिए, वी कैन एलिमिनेट द कॉलिजन कंडीशन एट द सेंट्रल डिवाइसेस। सो वी प्रोवाइड द टोकन टू रिमूव द कॉलिजन कंडीशन एट द सेंट्रल डिवाइसेस। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम क्रिएटेड इन द टोकन सिस्टम कि सपोज अ स्टेशन होल्ड द टोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो रिमेनिंग सिस्टम्स गोज इन टू द स्टारवेशन पीरियड। आप ऐसा कह सकते हो कि कोई ऐसा स्टेशन हो जाए जो टोकन को लंबे समय तक होल्ड कर ले, तो रिमेनिंग जो स्टेशंस होते हैं वो सारे रिमेनिंग स्टेशंस क्या हो जाएंगे, हमारे वेटिंग कंडीशन में जाएंगे। इस वेटिंग कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन कंडीशन। सो आप इस तरीके से कह सकते हो, इफ अ स्टेशन होल्ड द टोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम देन द रिमेनिंग सिस्टम्स गोज इन टू द आइडल मोड। सो गोज इन टू द नॉट आइडल मोड, इट इज नॉट एन आइडल मोड, गोज इन टू द वेटिंग स्टेट। दिस वेटिंग स्टेट इज कॉल्ड द स्टारवेशन। स्टारवेशन पीरियड में चला जाता है टू रिमूव द स्टारवेशन to remove the starvation, we provide the token as a holding time. Holding time मतलब अब हर किसी टोकन की एक होल्डिंग टाइम फिक्स कर दी जाती है कि आप इतने समय तक आप अपने पास टोकन को होल्ड कर सकते हैं, उतने समय में अगर आपको जो भी डिवाइसेस में सेंट्रल डिवाइसेस को डाटा सेंड करना है आप सेंड कीजिए, नहीं तो आपसे वो जैसे उसका टोकन होल्डिंग टाइम एक्सपायर करता है फोर्सफुल्ली इससे किसी पर्टिकुलर स्टेशन से फोर्सफुल्ली उस टोकन को क्या किया जाता है, पुल कर लिया जाता है और किसी दूसरे स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन को वो क्या कर दिया जाता है, तो एक टोकन होल्डिंग टाइम इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो टोकन होल्डिंग टाइम क्या होता है हमारा कि सेंट्रल डिवाइसेस होते हैं इसमें हमारा क्या होता है, टोकन होल्डिंग टाइम होता है तो टोकन होल्डिंग टाइम दिया जाता है कि S1 के पास एक टोकन होल्डिंग टाइम होती है, वो उसी होल्डिंग टाइम के समय ही वो अपने डाटा को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। आफ्टर दैट जैसे उसका टोकन होल्डिंग टाइम एक्सपायर करेगा उसे नेक्स्ट स्टेशन को क्या करना होता है, पास करना होता है। तो इससे क्या होता है कि अब कोई भी स्टेशंस लंबे समय तक वेट नहीं करेगा, तो क्या होगा इसकी स्टारवेशन पीरियड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, हर स्टेशंस को टोकन मिलेगा और हर स्टेशंस के पास अथॉरिटी होगा कि वो सेंट्रल डिवाइसेस को क्या कर सके, डाटा को ट्रांसमिट कर सके। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका गेट 2014 में आया हुआ था, वो क्या था कि
मैं उसे आपको बता रहा हूँ कि आपका क्या होता है. गिवन इन अ टोकन रिंग आर्किटेक्चर, इन अ टोकन रिंग आर्किटेक्चर देयर आर 10 स्टेशंस, देयर आर 10 स्टेशंस इन विच देयर आर 10 स्टेशंस इन विच अ लैन ट्रांसफर टाइम, लैन सेगमेंट ट्रांसफर टाइम इज 1 मिली सेकेंड एंड द टोकन होल्डिंग टाइम एंड द टोकन होल्डिंग टाइम इज 2 मिली सेकेंड. देन फाइंड द टोटल टाइम, फाइंड द टोटल टाइम, टोटल वेटिंग टाइम, टोटल वेटिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेशन देन फाइंड द वेटिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेशन टू रिसीव द फ्रेम, टू रिसीव द टोकन अगेन, टू रिसीव द टोकन अगेन द टोकन होल्डिंग टाइम इज 2 मिली सेकेंड. देन फाइंड द वेटिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेशन टू रिसीव द टोकन अगेन आफ्टर ट्रांसमिटिंग द टोकन, आफ्टर ट्रांसमिटिंग द टोकन. टोकन को ट्रांसमिट करने के बाद कोई भी पर्टिकुलर स्टेशंस अगेन उस टोकन को, अगेन उस टोकन को रिसीव करे वो कितने समय तक वेट करेगा. फाइंड द टोटल वेटिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेशन टू रिसीव द टोकन अगेन आफ्टर ट्रांसमिटिंग द टोकन. अगर वो ट्रांसमिटिंग है, मैं एक छोटा सा 10 में आपका है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ. 4 स्टेशंस जब किसी रिंग मैनर में हो तो कितना होगा. सपोज दिस इज द वन वे आर्किटेक्चर, दिस इज स्टेशन S1, S2, S3 एंड S4. इसका है 1 मिली सेकेंड. इच स्टेशन कंटेनिंग द टोकन होल्डिंग टाइम, टोकन होल्डिंग टाइम यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप कह सकते हो कि कोई स्टेशंस को ना हो तो क्या होगा. एज्यूम इच स्टेशन होल्ड द टोकन फॉर कंप्लीट 2 मिली सेकेंड, फॉर कंप्लीट 2 मिली सेकेंड. सो टोकन होल्डिंग टाइम आपका कितना है, 2 मिली सेकेंड है. हर स्टेशन के बीच में आपका कितना है, 1 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड. तो आफ्टर ट्रांसमिटिंग तो कितना हो जाएगा ये, 1 मिली सेकेंड. ये टोकन होल्डिंग टाइम 2 मिली सेकेंड. आपको लिख दिया कि आप हर स्टेशन जो टोकन होल्ड कर रहा है वो 2 मिली सेकेंड के लिए कर रहा है, ये भी स्टेशन कितना करे, 2 मिली सेकेंड. तो 2 मिली सेकेंड इस तरीके से. तो टोटल कितना होगा हमारा, तो 1 प्लस 2 3. अगर मैं एज्यूम करूं 4 के लिए, तो 4 के लिए, फॉर 4 स्टेशंस के लिए कितना होगा हमारा, तो कितना हो जाएगा आफ्टर ट्रांसमिटिंग, तो 2 2 4 2 6 और 1 2 3 4. तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 लेंथ सेगमेंट टाइम प्लस 2 2 4 2 6 6. टोटल कितना हो जाएगा, 10. आफ्टर 10 मिली सेकेंड दे विल रिसीव द, सो इट इज एन जनरल, अगर मैं जनरलाइज करूँ, जनरल टर्म में अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, इफ देयर आर एन स्टेशंस, इफ देयर आर एन स्टेशंस देन एन माइनस 1 इंटू टोकन होल्डिंग टाइम प्लस एन इंटू लेंथ सेगमेंट टाइम. सो वॉट, सो फॉर 10, फॉर 10, फॉर 10 स्टेशंस टोटल वेटिंग टाइम
waiting time is equals to n minus 1, 9 into token holding time 2 millisecond into 2 millisecond plus n length segment into 1. So 18 plus 10, that is the 28 millisecond. Now दिस इज़ द एग्जाम्पल. आपका गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको भी इसमें आपको इंट्रोड्यूस करते हुए चलेंगे. नाउ आफ्टर दैट आई विल यूज द ड्वेल रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी, ड्वेल रिंग टोपोलॉजी. इन दिस टोपोलॉजी एच स्टेशंस कनेक्टेड इन द रिंग मैडर बट इन डबल डायरेक्शंस. जो हमारा सिंगल रिंग टोपोलॉजी था उसके ड्रॉबैक क्या थे कि हमारा कि यूनिडायरेक्शनल होता था. अगर एक स्टेशंस अगर आपका किसको एक लेंथ सेगमेंट अगर आपका ब्रेक होता था तो इंटायर सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाता था इन द रिंग टोपोलॉजी. बट इन ड्वेल रिंग टोपोलॉजी अगर आपका एक लेन ब्रेक भी हो जाता है, अगर एक लेन आपका ब्रेक भी हो जाता है तो एक पाथ होता है जिसके तहत वो अपने डाटा को क्या करता है कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करता रहता है जब तक कि वो लेन रिपेयर ना हो जाए. सो आप ऐसा कह सकते हो इट इज़ एन जैसे आपका होता है ना कि हर हाईवे के साथ आपका क्या होता है एक सब हाईवे के साथ आपका क्या होता है साथ में एक दिया जाता है कि अगर हाईवे पर कहीं जाम लग जाए तो एक आपके पास अल्टरनेटिव पाथ होता है जिसके तहत वो क्या किया जाता है उसके जरिए वो बस को या ट्रक को जो भी होता है उसके जरिए वो क्या कर सकता है ट्रांसमिट कर सकता है. तो यही होता है कि अगर आपका मेन लेन सेगमेंट अगर आपका ब्रेक भी हो जाए तो इन ड्वेलरिंग टोपोलॉजी आपका क्या होगा वो सेकेंड पाथ का यूज करके वो क्या करेगा डाटा को ट्रांसमिट करता रहेगा. तो इससे रिंग टोपोलॉजी के ड्रॉबैक को ड्वेलिंग टोपोलॉजी ने हटा दिया. लेकिन बट डिसएडवांटेज इसका यह है कि जो लैन कॉस्ट हमारा रिंग टोपोलॉजी में रखता था उसका डबल टाइम्स हमारा लैन कॉस्टिंग किस में लग जाएगा ड्वेलिंग टोपोलॉजी में. तो बेनिफिट भी है और साथ साथ में हमारा क्या है लॉस भी है. तो ड्वेलिंग टोपोलॉजी बस आपको ये समझने की बात है इसमें डबल होता है एक बोथ यूनिडायरेक्शनल ना होने की बजाय ये बाई डायरेक्शनल पाथ होता है कि एक पाथ अगर आपका लॉस भी हो जाए तो दूसरे पाथ से अपने डाटा को क्या कर सके कम्युनिकेट कर सके. ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका इसका जो लैन कॉस्टिंग हो जाता है वो डबल हो जाता है कंपेरिजन टू रिंग टोपोलॉजी. सो द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड टोपोलॉजी. Hybrid topology, it is the combination of bus topology and star topology. दोनों के advantage के combination से बना होता है. तो star topology में क्या होता है हमारा एक हमारा ये डिवाइसेस होते हैं अगर मैं इसकी बात करूं और इस डिवाइसेस के साथ हम यहाँ पर एज एन वन लेन सेगमेंट में मोर देन वन स्टेशंस को आपस में क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं बाय द बस टोपोलॉजी. ये भी हमारा एक बस टोपोलॉजी होगा. तो हाइब्रिड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द रिंग एंड द सॉरी नॉट अ रिंग बस टोपोलॉजी एंड द स्टार टोपोलॉजी. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या होता है ये हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है. एंड द लास्ट वर्क ऑफ द फिजिकल लेयर दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन मोड. इट मीन्स द लास्ट वर्क ऑफ द फिजिकल लेयर इज द ट्रांसमिशन मोड. ट्रांसमिशन मोड मीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन मोड. वन इज कॉल्ड द सिंप्लेक्स, सेकेंड वन इज द हाफ ड्यूप्लेक्स एंड द लास्ट वन इज द फुल ड्यूप्लेक्स. सिंप्लेक्स का आप इस तरीके से कह सकते हो कि इफ द स्टेशन सेंडर एंड द रिसीवर देन सेंडर ऑलवेज एट एनी टाइम सेंडर हमेशा सेंडर ही रहेगा और रिसीवर हमेशा रिसीवर ही रहेगा. रिसीवर कभी भी सेंडर नहीं बन सकता. तो इससे क्या होगा इट इज़ अ वन वे ट्रैफिक. इसका एग्जांपल में अगर आप कहो तो रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो चैनल जो होते हैं आपके रेडियो कम्युनिकेशन
इट इज़ एन बेस्ट एग्जाम्पल. वन वे कम्युनिकेशन होता है, इट इज़ एन सिंप्लेक्स आर्किटेक्चर. या आप ऐसा बोल सकते हो कीबोर्ड, कीबोर्ड भी आपका एक क्या है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का एग्जाम्पल है. कीबोर्ड में क्या होता है, आप डाटा को इनपुट देते हो, तो ऐसा नहीं कि आपके सिस्टम से उस पर भी क्या होता है आउटपुट आता है. तो कीबोर्ड आपका हमेशा क्या होता है, इनपुट देने का काम होता है. तो वो हमारा कैसा होता है, सिंप्लेक्स मोड में होता है. इन द हाफ डुप्लेक्स मोड एट ए टाइम कोई एक सेंडर बनेगा और दिस इज द हाफ डुप्लेक्स मोड, दिस इज द सेंडर एंड द रिसीवर. एट ए टाइम अ स्टेशन मे बी अ सेंडर और रिसीवर, बट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट वन स्टेशन बिकम्स अ सेंडर एंड द अनदर स्टेशन बिकम्स द रिसीवर. ऑन द अदर टाइम द रिसीवर मे बिकम्स द सेंडर एंड सेंडर मे बिकम्स द रिसीवर. एंड द फुल डुप्लेक्स मोड इन द एग्जाम्पल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स इज वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द हाफ डुप्लेक्स मोड. आप ऐसा भी कह सकते हो इन द ब्रॉड सेंस रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक भी आपका क्या है, वो हाफ डुप्लेक्स है. अगर अप और डाउन, आप दोनों की बात नहीं कर सकते, चाहे अप की बात करें तो अप में एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेन चलती है, या डाउन की बात करें तो डाउन में आपकी एक ही होगा. तो ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो हाफ डुप्लेक्स में हमारा रेलवे ट्रैक भी आ जाता है. द मोस्ट एंड द एफिशियंट एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स इज द वॉकी टॉकी. एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स, इसमें आप एट ए टाइम सेंडर एंड रिसीवर किसी भी समय पर कोई भी क्या होता है बोल सकता है और रिसीव कर सकता है. एट एनी टाइम बोथ मे बी सेंडर एंड रिसीवर. सो एग्जाम्पल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स इज मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे क्या होते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में हमारे क्या होते हैं काम. बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो फुल डुप्लेक्स पर काम करते हैं, जैसे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो फुल डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं. और हमारा जो भी कम्युनिकेशन होते हैं आजकल वो हमारे फुल डुप्लेक्स पर होते हैं. तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द फिजिकल लेयर. ये हमने आपको बताया कि फिजिकल लेयर में क्या क्या काम होते हैं. हम इसे और भी क्या करेंगे, इलाबोरेट करेंगे जब हम इसके पर्टिकुलर लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो कीप इन टच. अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, और रेगुलर टच में रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है eiidelhi@gmail.com. थैंक यू.